हेलो फ्रेंड्स, अमिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फलाहारी चिवड़ा, जो कि मैं आलू को कद्दूकस किया हुआ है। ये मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। अब मैं इसके लिए फलाहारी चिवड़ा के लिए मैंने आलू को कद्दूकस करके लिया हुआ है और इसको मैंने आधे घंटे पहले ठंडे पानी में डाल दिया था धोकर। ये ऐसे बारीक बारीक कद्दूकस किया हुआ है। और ये मैंने बादाम ली, किशमिश, मूंगफली दाना भुना हुआ, नमक, चीनी, जीरा, तिल और हरी मिर्च। अभी नवरात्रि आ गई है, उसके लिए आप उपवास में ये बना के खा सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले इस पानी को निकालूंगी। ये मैंने इसका पानी निकाल लिया है, निचुड़ भी गया है। अभी इसको मैंने सॉफ्ट टॉवल ली है, इसमें मैं बिछाऊंगी। सॉफ्ट टॉवल के ऊपर मैं इसको डालती हूँ। इसका पानी सुखाना है पूरा। ये मैं इसको ऐसे रगड़ के इसको पानी सुखा देती हूँ पूरा। इसका अच्छे से पानी सुखाना है। ये मैंने कच्चे आलू का किया हुआ था। ये देखिए थोड़ा सा साफ हो गया है और सुखाना है मुझे ये। ये देखिए मैंने इसका पानी सुखा लिया है बिल्कुल। अब मैं इसको तलूंगी। ये मैं इसके लिए मैंने तेल गरम होने रख दिया है। ये तेल अच्छा से गरम हो रहा है, ये अच्छा तेज गरम चाहिए। ये देखिए अच्छा गरम है। इसको धीमी आंच पे नहीं सेकेंगे, धीमी गैस पर सेकने पे कड़क हो जाएगा, इसलिए इसको तेज गैस पे ही सेकेंगे। पहले तेज गैस पे डालेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको चलाऊंगी। ये अच्छे से क्रंची होने चाहिए तलने के लिए। ये जब थोड़ा सा सिक जाएंगे तो ऊपर तैर के आ जाएंगे सारे। इसको आप घी में भी तल सकते हैं। उपवास में रिफाइंड तेल बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो, और इसमें सादा नमक की जगह आप वो सेंधा नमक डालिए। ये उपवास के लिए ही बना रही हूँ। इसको एक बार बना के रख लेने से ये आप अच्छे से महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए सिकने लगे हैं, ये देखिए अच्छे से। ये देखिए अच्छे से सीक गए हैं, ये अच्छे से करारे हो गए। इनको अब मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में जैसे निचोड़ के। इसका तेल सारा निकाल लेना है। ये देखिए अच्छे से क्रंची हो गए। इसी तरह से मैं दूसरे सेक लेती हूँ। अभी मैं ये दूसरे भी सेक लेती हूँ। इस कढ़ाई में डाल के कर ले। ये मैंने दूसरे जो डाले थे वो भी अच्छी तरह से तल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको सब सब मिक्स करूंगी इसमें। ये मैं लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं, नहीं तो ये जल जाएंगे एक साइड में और अच्छी तरह नहीं सिकेंगे। और ये मैंने सारे सेव तल लिए हैं। अब मैंने एक पैन में तेल गरम किया हुआ है एक चम्मच। ये तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसी में डालूंगी जीरा। ये जीरा अच्छे से भुन जाएगा।
डालूंगी इसमें हरी मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची नहीं यूज़ करनी है इसलिए हरी मिर्च डालूंगी। अच्छे से क्रंची होनी चाहिए, इतना भूनना है। इसी में डाल देती हूँ ये तिल, तिल भी हमें भूनने हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ किशमिश, इसी में बादाम डाल देती हूँ जो कि थोड़ा सा सिक जाएंगी, अच्छे से क्रंची हो जाएंगी। अब मैं इसमें मूंगफली के दाने भी डाल दूंगी, इनको और गैस बंद कर दूंगी। भुने मूंगफली के दाने हैं, मिर्ची भी हमारी क्रंची हो गई है। एक मिनट तक चलाऊंगी मैं इसको पहले, और ये अच्छे से सब मिक्स हो गया। अब इसमें मैं ये डाल दूंगी आलू चूड़ा, अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी और नमक डालूंगी। नमक थोड़ा ही डालना है। अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसे चीनी डालूंगी। ये भी ठंडा हो गया है, अब मैं इसे चीनी ऐड कर दूंगी। इसमें एक चम्मच चीनी डाल देती हूँ पिसी हुई, और आप इसमें काजू भी भून के डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छी इसमें क्रंची आवाज़ आ रही है, अच्छे करारे बने हुए हैं। नवरात्रि में चाय के टाइम ये आराम से खा सकते हैं। अब मैं इसको प्लेट में ले लेती हूँ। ये मेरा ये फलाहारी चूड़ा तैयार है। आप इसको अच्छे से बनाइए और नवरात्रि में इसका आनंद उठाइए, और इसको आप नॉर्मली भी बना के रख सकते हैं, कभी भी कोई गेस्ट आए इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं।